बिहार के रक्सौल, सीतामढ़ी और समस्तीपुर रूट पर ट्रेनों का परिचालन बहाल किया गया है। आइए जानते हैं इस रूट पर पहली नई ट्रेन की डिटेल्स के बारे में, उनके टाइम टेबल के बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। सीमावर्ती क्षेत्र के देशी विदेशी यात्रियों के लिए कई वर्षों से चली आ रही रक्सौल सीतामढ़ी पैसेंजर ट्रेन शुरू करने से यह मांग पूरी हो गई है। इस संबंध में स्थानीय विधायक के साथ कई बड़े अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे और आखिरकार यह ट्रेन चल पड़ी। समस्तीपुर मंडल के रक्सौल सीतामढ़ी समस्तीपुर रेलखंड पर सुबह एवं शाम में दो ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और एक ट्रेन समस्तीपुर से शाम में 4 बजे खुलेगी, जो कि 8:20 पर घोड़ासहन से चलकर प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए 9:40 पर रक्सौल पहुंचेगी और फिर 6 बजे यह ट्रेन शाम को रक्सौल से सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए रात को समस्तीपुर पहुंच जाएगी। इसी दौरान ट्रेन जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंची, इसके परिचालन को लेकर पूर्व से मांग उठाने वाले संगठनों ने भी खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि ट्रैक का विद्युतीकरण कार्य व लॉकडाउन तथा आमान परिवर्तन के कारण बीते 23 महीनों से इस रूट पर ट्रेन नंबर 05525 क्रांति पैसेंजर ट्रेन का परिचालन रेल विभाग ने रोक दिया था, जिसके कारण यहां के लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी और यही वजह है कि लंबे समय से इस ट्रेन का मांग चल रहा था चलाने को लेकर के, और आखिरकार यह ट्रेन अब चल चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन यह ट्रेन घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:18 पर पहुंचेगी, वो यहां पर 1 मिनट के लिए रुकेगी, इसके बाद आगे के रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। उम्मीद करते हैं कि बिहार के इस रूट पर नई ट्रेन का संचालन शुरू हो जाने से पैसेंजरों को अब सुविधा मिलेगा। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आने वाली नई ट्रेनों के अपडेट के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब।